हेलो दोस्तों, इमामा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेहद खूबसूरत खाड़ी देश बहरीन की, जिसकी राजधानी मनामा है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बहरीन को टूर करने के लिए आने वाले खर्चों के बारे में। न्यू दिल्ली से बहरीन के लिए पर पैसेंजर राउंड ट्रिप का खर्च करीब 30 से 40 हज़ार रुपये आ जाता है। वहीं अगर होटल की बात करें तो पर डे 3 स्टार होटल आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाता है और 4 स्टार होटल 5 से 6 हज़ार रुपये में मिल जाता है। लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च करीब 1700 रुपये डेली और डेली का खाना पीना करीब 3 हज़ार रुपये मानकर चलिए। चलिए अब जान लेते हैं कुछ इस कंट्री के बारे में। दोस्तों, बहरीन एक 40 नेचुरल आइलैंड्स और 51 आर्टिफिशियल आइलैंड से बना एक छोटा सा देश है। इसका टोटल एरिया करीब 780 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी करीब 15,70,000 है। इसकी पर कैपिटा इनकम करीब $52,129 है। पर कैपिटा के मामले में ये दुनिया में अपनी 19वीं जगह बनाता है। बहरीन को 15 अगस्त 1971 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। बहरीन अपना नेशनल डे 16 दिसंबर को मनाता है। दोस्तों, यहाँ पर बहरीनी दिनार चलते हैं। एक बहरीनी दिनार भारत के 195.83 रुपये के बराबर है। मालदीव्स और सिंगापुर के बाद ये एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। अरबिक यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू और फारसी भी बोली जाती है। बहरीन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया का ऐसा पहला स्काई स्क्रैपर है जिसमें कि विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं। सन 1602 से 1783 तक बहरीन पर्शियन एम्पायर का एक पार्ट था। सन 1782 से बहरीन पर अल खलीफा फैमिली शासन कर रही है और अभी भी पावर में है। बहरीन में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत मस्जिदें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, हिंदू मंदिर और यहूदियों के पूजा स्थल भी आपको मिल जाएंगे। बहरीन का मोती उत्पादन में एक लंबा इतिहास रहा है। देश विदेश से व्यापारी बहरीन के मोती खरीदने आते थे। प्राचीन बहरीन की इकोनॉमी मोती के व्यापार पर ही टिकी हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खाड़ी देशों में पहली बार तेल की खोज बहरीन में ही हुई थी। जुलाई और अगस्त बहरीन में पूरे साल में सबसे गर्म महीने होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 5वीं शताब्दी में बहरीन में ईसाई धर्म मुख्य धर्म था और 7वीं शताब्दी में हजरत मोहम्मद साहब के इन्फ्लुएंस के कारण ये इस्लामिक मुल्क बना। दोस्तों, बहरीन के नाम का मतलब दो समुंदर से होता है। बहरीन दूसरे मुल्कों को क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करता है। बहरीन रोज़ाना करीब 40,000 बैरल पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्शन के अलावा बहरीन की इकनॉमी एल्युमिनियम एक्सपोर्ट और टूरिज्म पर भी डिपेंड करती है। दोस्तों, बहरीन में पब्लिकली एल्कोहल पीना एक बहुत बड़ा अपराध है। बहरीन में अल्कोहल केवल बड़े बड़े होटल्स और बार्स में ही अवेलेबल होती है, वो भी नॉन मुस्लिम्स के लिए। बहरीन के लोगों का ट्रेडिशनल फूड मछली, मांस, चावल और खजूर है। और दूसरे इस्लामी मुल्कों की तरह बहरीन में भी फ्राइडे का ऑफ रहता है। बहरीन एक आइलैंड है, लेकिन यह सऊदी अरबिया से एक रोड के द्वारा जुड़ा हुआ है जिसका नाम किंग फहद कॉजवे है। बहरीन के रेगिस्तान में 400 साल पहले बोया गया एक ट्री है जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि अब भी ग्रो कर रहा है। सन 2004 में मिडिल ईस्ट के बहरीन में ही सबसे पहले फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री आयोजित की गई थी और बहरीन अब तक करीब 15 बार फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री को होस्ट कर चुका है। बहरीन में कुल मिलाकर 2 एयरपोर्ट हैं। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुहर्रक आइलैंड पर बना हुआ है, जो कि इसकी कैपिटल मनामा के नज़दीक है। दोस्तों, इस कंट्री में
महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 2002 से मिला है। इस कंट्री में महिलाएं 15 साल की उम्र में और लड़के 18 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। फुटबॉल को बहरीन में काफ़ी पसंद किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।